गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के लिए अपनी सेवाओं को आधुनिक कर रहा है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसकी हर तरह से कोशिश की जा रही है। अब डिजिटलकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इंडियन रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन की सेवा यात्रियों के लिए शुरू कर दी है। कोरोना में मुसाफिरों की सुरक्षा और एहतियात का ध्यान में रखते हुए ये मशीन लगाई गई है। मुफ्त का राशन लेने वाले 66,000 राशन कार्ड धारकों ने सरकार को ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज बेचा है। इनमें से हर एक राशन कार्ड धारक ने कम 3 लाख रुपए से ज्यादा का गेहूं और धान सरकारी क्रय केंद्रों पर जाकर बेचा है। भारत में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश में धांधली को रोकने के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी नीट की शुरुआत की गई, लेकिन अब इस परीक्षा में बड़े घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें परीक्षा पास करने के लिए प्रॉक्सी का उपयोग करने का प्रयास किया गया था और प्रति उम्मीदवार 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। ये खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए वॉशिंगटन पहुँच गए। PM मोदी आज सुबह तकरीबन 3:40 में वॉशिंगटन पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एजुकेशन पर उतरे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराकर जोरदार स्वागत किया। UN ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को विकास के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, और साथ ही अपने रिपोर्ट में चेतावनी भी दी है कि COVID-19 पैंडेमिक में स्थिति और बदतर हो गई है। भारत में कार से आसमान में उड़ने का सपना अब साकार होने वाला है। दरअसल अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन फ्लाइंग कार को उड़ाने की परमिशन दे चुका है। अब भारत की विनाटा एरोमोबिलिटी कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हाइब्रिड फ्लाइंग कार को चेन्नई स्थित स्टार्टअप कंपनी बना रही है। सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को साड़ी पहनने के कारण रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री नहीं दी गई। वीडियो में कुछ लोग महिला से कह रहे हैं कि वो साड़ी में रेस्टोरेंट के भीतर नहीं जा सकती। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण नासिक के कई मंदिर जलमग्न हो गए। फिलहाल गोदावरी नदी खतरे के निशाने पर बह रही है। कोरोना वायरस में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा के तौर पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी। मोदी सरकार ने कहा है कि ये अनुग्रह राशि COVID-19 महामारी के भविष्य के चरणों में या अगली अधिसूचना तक जारी होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2028 तक देश में हिंदू और मुस्लिम की आज़ादी बराबर हो जाएगी। दिग्विजय ने एक रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तब देश की जनसंख्या का स्थितिकरण भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र पर अब कोरोना का संकट मंडराने लगा है। खबर ये है कि UNGA में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मासोला क्वेरोगा कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मासोला ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के साथ पहुंचे थे, ये जानकारी सरकार ने दी है। बागमबाड़ी मैथ के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को वैष्णव परंपरा के मुताबिक भू समाधि दे दी गई है। दोपहर में साधु संतों शिष्यों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच नींबू के पेड़ के पास महंत को भू समाधि दी गई। वहीं दूसरी ओर महंत महेंद्र गिरी की मौत मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवाड़ी को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज विश्व गैंडा दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर एक सिंग वाले गैंडे के लिए मशहूर असम की सरकार ने 2,500 गैंडे के सिंग को सार्वजनिक समारोह में जलाकर खाक करने का फैसला किया है।
हिमांता विश्व शर्मा सरकार के इस कदम की सराहना कर रहा है। दिल्ली में रहने वाले एक लड़के ने पोलैंड के शख्स से शादी की। दोनों के बीच 4 साल से लव अफेयर चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी में दोनों ने फोटोशूट भी कराया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के कोपले जिले के हनुमान सागर के पास मियापुर गांव में एक दलित लड़के के माता पिता पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनका बेटा मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए चला गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।